पब्लिक टीवी आपकी आवाज। नगर निगम अधिकारियों के द्वारा दिया गया व्यापारियों को दो दिन का अल्टीमेटम रविवार के दिन ही खत्म हो गया। सोमवार सुबह अपर नगर आयुक्त अनिल कुमार सिंह के नेतृत्व में नगर निगम की टीम बुलडोजर लेकर बोध बाजार पहुंच गई। अचानक बुलडोजर देखकर व्यापारियों में हड़कंप मच गया। बुलडोजर अपनी कार्रवाई शुरू करता इससे पहले ही व्यापारियों के निर्देश पर मजदूरों ने चिन्हित अतिक्रमण को तोड़ने की कार्रवाई शुरू कर दी। ये नजारा देखकर निगम अधिकारियों ने बुलडोजर कार्रवाई को रोक दिया। अपर नगर आयुक्त अनिल कुमार सिंह ने बताया कि निर्धारित समय सीमा के भीतर यदि अतिक्रमण को तोड़ने की कार्रवाई नहीं की गई तो निगम बुलडोजर के द्वारा अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई करेगा। इसकी जिम्मेदारी व्यापारियों की होगी। अपर नगर आयुक्त के साथ स्मार्ट सिटी के चीफ इंजीनियर AK मित्तल, सुभान अली के अलावा प्रवर्तन टीम के कर्नल SK शाही, नईम हैदर, राकेश कुमार सिंह मौजूद रहे। इस सड़क का सौंदर्यीकरण चौड़ीकरण का कार्य प्रस्तावित है। इससे पूर्व यानी गत वर्ष भी यहाँ से अतिक्रमण हटाया गया था। जिन व्यापारी भाइयों ने अवैध रूप से सड़क को घेर करके कब्जा कर रखा था उनको हटाने की कार्रवाई की गई थी। ये कुछ व्यापारी और एक होटल स्वामी जिनका अवैध अतिक्रमण है उसको हटाने की कार्रवाई चल रही है जो मौके पर अभी प्रचलित है। दो दिन पूर्व भी अभियान चलाया गया था, दो दिन का समय दिया गया था, क्या रहा उसका? दो दिन पूर्व व्यापारियों ने हमसे ये रिक्वेस्ट की थी कि हमको दो दिन का समय दिया जाए जिससे अपने अवैध अतिक्रमणों को वो स्वयं हटा लेंगे। उसी कड़ी में हमने उनको समय दिया और आज पुनः देखा कि उनके द्वारा बहुत अधिक कार्रवाई नहीं की गई है तो नगर निगम स्तर से, प्रशासन के स्तर से उसे हटाने की कार्रवाई की जा रही है। ये शहर के सौंदर्यीकरण के लिए, शहर के विकास के लिए है। यहाँ के जो अन्य व्यापारी हैं उन सभी को इस योजना का लाभ मिलेगा। ये भारत सरकार की, उत्तर प्रदेश सरकार की बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना है जिससे शहर का सौंदर्यीकरण और विकास कार्य होगा। धन्यवाद। पब्लिक टीवी आपकी आवाज़।